सामान्यतः प्रदेश के बड़े शहरों में ही ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं, लेकिन हमने बार बार निवेदन किया कि ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाएं निकलती हैं और यदि वहां ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं तो उससे पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को फ़ायदा होता है। इसी भावना के तहत SGFI के जो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है दीपक कुमार साहब, उन्होंने मध्य प्रदेश में शमशाबाद को फिर से राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन का दायित्व हम लोगों को दिया है। क्योंकि पिछली बार भी हमने राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया था जिसमें 950 खिलाड़ी और 100 अधिकारी आए थे और 25 में से 25 अंक हमारे शमशाबाद को इस चैंपियनशिप में मिले थे, जो 67 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। उस आधार पर हमको ये चैंपियनशिप अलाट हुई है और हम आज पहली बैठक है इसी संदर्भ में कि इसको चैंपियनशिप को सफल बनाने में SDM साहब, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, पुलिस प्रभारी TI साहब, इन सब का बहुत सक्रिय योगदान हम लोगों को मिलना चाहिए। आज की ये बैठक जो है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता बालक बालिका 14-17 आयु वर्ग के आयोजित होना है उसके क्रम में, और साथ ही साथ इसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर और 9 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन है। 14 और 17 बालक बालिका वर्ग के पूरे देश से लगभग 30 राज्यों से यहाँ पर 1500 खिलाड़ी बालक बालिकाएँ भाग लेंगे। तो इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए हमारे पूर्व विधायक और खेल के एक जाने माने भाई रुद्र प्रताप सिंह जी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच और यहाँ खेल अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के बाकी लोगों के साथ मिलकर ये बैठक आयोजित की जा रही है जिससे कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। पहले भी आयोजन हुआ है यहाँ पर, 3 साल पहले वॉलीबॉल का हुआ है राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, इस बार हमें कुश्ती का आयोजन प्राप्त हुआ है। तो इस क्रम में ये बैठक प्रारंभिक बैठक है, इसके बाद फिर और बैठकों के दौर के माध्यम से और अच्छा किया जाएगा।